Hello dear student, in this video I'll be talk about distance and displacement. Duri evam visthapan. Distance and displacement ko samajhne ke liye hum is animation ko play karte hain. To humne dekha ki ye ball curved path ko follow karti hui point A se point B ki or jati hai. Okay, to kya aap mujhe bata sakte hain ki is ball ke liye distance aur displacement kya hoga? तो चलिए, जैसा कि आपने देखा कि बॉल ने क्या किया, बॉल ने पॉइंट ए से चलना प्रारंभ किया और इस कर्व्ड पाथ को फॉलो करती हुई बॉल यहां पर बी पॉइंट तक आ गई. ओके, तो इस बॉल के लिए डिस्टेंस क्या होगा? ये इस कर्व्ड पाथ की टोटल लंबाई कितनी है उसको हम बोलेंगे इस बॉल के लिए डिस्टेंस. ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस बॉल का इनिशियल पॉइंट ए है एंड फाइनल पॉइंट बी है. तो इस इनिशियल पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन टुवर्ड पॉइंट बी. ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन जितनी भी लंबी है, जितनी भी इसकी लंबाई है, उसको हम बोलेंगे इस बॉल के लिए डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो हमने यहां पर इस एग्जांपल से हमने क्या सीखा, हमने यहां पर डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट. ओके, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट. जैसे कि हम जैसे कि इस एग्जाम्पल में इस बॉल का जो पाथ लेंथ है वो ये हो जाएगा डिस्टेंस. ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. ओके, इनिशियल पॉइंट यहां पर इस बॉल के लिए ए है और फाइनल पॉइंट बी है. ओके, तो इसको बोलेंगे हम इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट. ओके, आई होप बाकी आपको ये समझ में आया होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो अगली स्लाइड में हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से संबंधित, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को वहां पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व करके आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को जान सकते हैं. ओके गाइज, थैंक्स फॉर